हमारे पास एक मल्टी चैनल रिमोट है और एक सिंगल चैनल रिमोट है। पहले तो मैं आपको नहीं कि मल्टी चैनल वाला रिमोट से सेटिंग करके बताने वाला हूँ। जैसे मैं कनेक्शन चालू करता हूँ, मेरा मोटर जर्क मारता है, उसी समय मेरे को जो चैनल चाहिए उस पर सेलेक्ट करता हूँ मैं, और उसके बाद स्टॉप का बटन दबा कर रखता हूँ मैं, जर्क मारता है। ये मेरा पेयरिंग हो गया, रिमोट से मोटर का पेयरिंग हो गया, मेरा मोटर ये अप एंड डाउन चालू हो जाएगा। ये मेरा मोटर अप एंड डाउन घूमना चालू हो गया। अभी आप देख पा रहे हो कि ये जर्क पे चालू हो गया है, जैसे मैं दबा रहा हूँ जर्क हो रहा है। ये मेरे को जर्क वाला सेटिंग तोड़ने का है, उसके लिए मैं क्या करेगा, अप एंड डाउन जो बटन है वो दोनों साथ में प्रेस करेगा और फटाक से स्टॉप का बटन दबा देगा मैं। जर्क वापस बता रहा हूँ, दोनों साथ में प्रेस कर रहा हूँ, जर्क मारा, उसी समय मैंने स्टॉप का बटन दबा दिया। अभी देखिए 3 बार बीप का आवाज आया, तो ये देखिए कंटिन्यू मेरा मोटर घूम रहा है। इस तरह से सेटिंग होता है। अभी इसका रहा सवाल लिमिट का, जो लिमिट हम लोग नॉर्मली सेटिंग करते हैं, जैसे कि ये वाइट वाला है और रेड वाला है, अगर हमको ये वाइट वाले से हमको हाइट ज़्यादा बढ़ाने का है तो इसमें प्लस वाला डायरेक्शन है, प्लस वाले डायरेक्शन में मैं प्लस साइड में घुमाएगा, प्लस साइड में, तो मेरा उसका हाइट बढ़ते हुए जाएगा। अगर मेरे को हाइट कम करने का है या लिमिट उसका कम करने का है, तो माइनस रेड वाले में मैं माइनस साइड में घुमाएगा तो मेरा लिमिट या उसका हाइट कम हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल सेटिंग है और बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद इसको मैं डिलीट करके भी बता देता हूँ। डिलीट करने के लिए P2 का बटन, कनेक्शन चालू करो, इसका डिलीट करने के लिए भी एकदम सिंपल है। P2 का बटन दबाएगा, स्टॉप का बटन दबाएगा, वापस P2 का बटन दबाएगा, 3 बार बीप का आवाज आएगा और जर्क मारेगा मोटर, तो मेरा मोटर का और रिमोट का पेयरिंग डिलीट हो जाता है। तो ये P2 का बटन दबाया, जर्क मारा, स्टॉप का बटन दबाया, जर्क मारा, वापस P2 का बटन दबाया, तो मेरा 3 बार जर्क मारेगा और बीप का आवाज आएगा, तो ये मेरा डिलीट हो गया। सिंपल सेटिंग है, इस तरह से मोटर का डिलीट और पेयरिंग किया जाता है। थैंक यू।